जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? आए हो सब बढ़िया होगे और सो रहे होगे? तो यहाँ पे 4 बज रहा है सुबह और देख ही रहा हूँ मैंने सूट बूट पहन रखा है, लगा रखा है। तो मेरा थोड़ा बहुत अर्जेंट काम है, ओसाका जाना है मुझे। तो मेरी सुबह की ट्रेन है 6 बजे हकाता से, और जैसे कि मैं रहता हूँ हकाता से 10-11 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैं अब यहाँ से अभी ना तो ट्रेन है सुबह की, ना ही बस है। सभी बस है मतलब 5:15 में है और ट्रेन जो है 5:33 में है। तो अगर मैं दोनों से जाऊंगा ना तो पहुंच नहीं पाऊंगा, मतलब कि जो मेरी 6 बजे शिनकानसेन है बुलेट ट्रेन से जाऊंगा मैं, तो वो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो आज दिखा दो आपको स्ट्रगल क्या है यहाँ पे। तो यार अब जाना तो है, और अब मेरे पास ऑप्शन 2 बचती है, या तो मैं यहाँ से टैक्सी करके जाऊँ, या फिर यहाँ से जो साइकिल होती है बैटरी वाली वो लेके जाऊं। तो उसका टैक्सी का ऐसा है कि यार टैक्सी से जाऊंगा तो कम से कम 6,000 से 6,500 यानी कि लग जाएगा मुझे यहाँ से हकाता जाने में। तो वो यार इतना तो पैसा यार खर्च नहीं किया जाएगा टैक्सी से ना, तो सिर्फ अब ऑप्शन बचती है साइकिल। तो यहाँ से 7-Eleven है, ये मेरे पीछे देख रहे हो, तो यहाँ से 7-Eleven है, तो यहाँ से साइकिल लेनी पड़ेगी। तो ये होती है स्ट्रगल। और मॉर्निंग है, रात भर सोया भी नहीं मैंने, क्योंकि मेरी मुझे जो नींद आती है वो 1:30 से 2 बजे के बाद ही आती है हमेशा डेली, और मैं 3:30 में उठ भी गया था। तो अब यहाँ से जाते हैं। अब ये रही देखो साइकिलें, देखो ये रही साइकिलें, अभी नहीं इसे जाएंगे क्योंकि यार टैक्सी से जाने का मतलब कि 7 से 7,500 खर्च होंगे, तो अब इसमें से जाना पड़ेगा। पता है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसमें एक टीचर था मेरा, तो पता नहीं किसी वो बात याद नहीं आ रही किसके ऊपर बोला था, पर एक बात उसने बोला था कि अगर हम कोट पैंट पहन के साइकिल चलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। तो उस टाइम पे तो लगा था कि यार सही बोल रहा है, कोट पैंट पहन के साइकिल कौन चलाता है, पर यहाँ पे आधा से ज़्यादा जापान कोट पैंट पहन के ही साइकिल चलाता है। तो भैया मतलब की बात यही है कि टाइम के हिसाब से बदल लेना चाहिए, और मतलब कि वही पुरानी रीति रिवाज के चक्कर में नहीं रहना चाहिए पुरानी बातों में। तो देख लो कोट पैंट पहन रखा हूँ और साइकिल से जाना पड़ेगा, वो भी मुझे यहाँ से 11 किलोमीटर है तो साइकिल से जाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बुलेट ट्रेन भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं फिर। हाँ जी, तो यार पहुँच गया हकाते स्टेशन, और ये देखो ये साइकिल यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, इनका यही फायदा होता है जहाँ से उठाओ जहाँ मर्जी खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें ना पार्ट टाइम जॉब भी होती है, जैसे कि जो भी कहाँ मतलब खड़ी कर देते हैं ना तो उनको कलेक्ट करनी होती है, तो जिसको करना है तो ट्राई मार सकता है। तो जब मैं मैप में देखा था ना तो मुझे 5:15 का टाइम दिखा रहा था कि 5:15 में पहुंच गया, तो मैंने 5:13 में पहुंच गया यहाँ पे। तो यार मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लगी, पहली बार मैंने 11 किलोमीटर साइकिल चलाया है, 11.5 किलोमीटर ही होगा। तो एक बात है यार कि जब हम कंसिस्टेंसी से अपना हार्डवर्क करते हैं ना, अपना 100% देते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं पे हमारे लिए अच्छा सोच के बैठा होता है। तो कभी हार्ड वर्क से कभी मेहनत से डरना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बुलेट ट्रेन। यार अभी पूरा स्टेशन खाली है, और सुबह की ट्रेन होती नहीं ना, यहाँ पे 6 बजे के बाद ही होती है, 6 बजे स्टार्ट होती है, और मेरी भी ट्रेन 6 बजे की है। तो मुझे एक बंदा आएगा अभी पिकअप करने जो साथ में जाएगा मेरे, तो वो आ जाए फिर चलते हैं आगे। ये रही भैया बुलेट ट्रेन। देखो देख सकते हो ये एकदम नज़दीक से कितनी आगे कितना लंबा होता है। यहाँ पे ड्राइवर की जगह है, ड्राइवर ये ट्रेन नंबर है
देखो कितनी लंबी है, काफी ज्यादा लंबी है यार। ये ओसाका से हकाता के लिए आती है और ये देखो ये फिर से दोबारा ओसाका ही जाएगी। ये हमारी बोगी है, छोटा सा सामने की ओर टेबल होता है, इसमें कुछ खा पी सकते हो, बट याद रखना कि गंदगी ना फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि साफ़ सफाई यहाँ पे बहुत होती है। ये देखो हल्का फुल्का खाने पीने के लिए लेके आ रही है, इससे ले सकते हैं खाने के लिए कुछ भी। देखो ये हिरोशिमा है, यहीं पे अमेरिका ने बम गिराया था, बट ये अब इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि इसको देख के कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कभी बम गिराया गया था। कितनी मेहनत किया होगा लोगों ने इसको फिर से डेवलप करने के लिए, सलूट है उन लोगों को जिन्होंने भी ये मेहनत किया है। ये बुलेट ट्रेन में भी ना एक आप तो पहले से बुकिंग कर सकते हैं, वो भी होता है, और अगर आपने बुकिंग नहीं किया है तो आप पीछे और आगे बोगी होती हैं तो वहाँ पे जाके टिकट लेके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओसाका के इनाका है, कंट्री साइड है, कितना बढ़िया लग रहा है।